हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। हेलो फ्रेंड, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांजिस्टर। दोस्तों, आज हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में जानेंगे। ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ पे है और इसको बनाने के पीछे का इतिहास क्या था। दोस्तों, आइए जानते हैं हम कि ट्रांजिस्टर की जो हिस्ट्री है वो क्या है, ट्रांजिस्टर को किसने बनाया था, ट्रांजिस्टर कब बना था। दोस्तों, सन 1947 में बेल लेबोरेटरी में जॉन बर्डन तथा वाल्टर ब्रेटन एंड विलियम शॉकले ने इसका पहला मॉडल बनाया था, जिसमें 3 पॉइंट थे, इसलिए इसको 3 पॉइंट ट्रांजिस्टर के नाम से जाना जाता था। और यह जो पहला ट्रांजिस्टर था वो जर्मेनियम से बनाया गया था। दोस्तों, जब हमारे पास सेमीकंडक्टर की खोज नहीं हुई थी तो उससे पहले भी हमारे पास कुछ चीज़ें थी जिसको हम एज ए ट्रांजिस्टर उपयोग करते थे, जैसे वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब की जो एफिशिएंसी थी वो बहुत ही पुअर थी, और उसकी साइज़ जो थी वो बहुत बड़ी थी, जिसके कारण से इसका उपयोग ज़्यादा इजी नहीं था। और इसके उपयोग के साथ साथ ही हमारी जो सर्किट होती थी वो काफ़ी बड़ी हो जाती थी। दोस्तों, जॉन बर्डन और वाल्टर ब्रिटेन को इस खोज के लिए सन 1956 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, जो ये हमारी पहली ट्रांजिस्टर मॉडल था, इसको वैक्यूम ट्यूब की जगह पे रिप्लेस किया गया था। फर्स्ट ट्रांजिस्टर मॉडल है जिसको जॉन बर्डन और वाल्टर ब्रिटेन ने अपनी बेल लेबोरेटरी में 1947 में तैयार किया था। दोस्तों, ये हमारे ट्रांजिस्टर का मॉडल जो हमारे उस समय में बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो आकार है वो कितना बड़ा है, और इसको एक सर्किट में, एक छोटे से चिप में हम नहीं लगा सकते हैं। इसी कारण से ये जो हमारा ट्रांजिस्टर था वो ज़्यादा उपयोगी नहीं था। बट ये अभी शुरुआत थी। इस चीज़ को धीरे धीरे धीरे, जब हमारे सेमीकंडक्टर की खोज होने लगी, इसके बाद से धीरे 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 इसका आकार और इसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती गई। लेकिन इसका आकार धीरे धीरे इतना छोटा हो गया है कि आज हम बहुत ही छोटे लेवल पे इसको हम आईसी के फॉर्म में फैब्रिकेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट जो ट्रांजिस्टर बनाया गया था उसका एक सीमेटिक डायग्राम है, जिसमें हम देखें तो ये डायग्राम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और देखने से भी काफ़ी हैवी लग रहा है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुछ कॉइल लगी हुई हैं, यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक कॉइल लगी हुई है, यहाँ पे कॉइल लगी है। इस कॉइल से हम इनपुट देते थे और यहाँ से हम आउटपुट लेते थे। यहाँ पर हमारे पास एमीटर है और कलेक्टर है, और यहाँ पर बेस भी है। हम इन दोनों कॉइलों को आपस में इंटरकनेक्ट करके कनेक्शन बनाते थे। दोस्तों, ये जो सर्किट था ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, और यहाँ पे इंडक्टर यूज हुआ है, और हम जानते हैं कि इंडक्टर जो होता है वो एनर्जी को कंज्यूम करता है, जिसके कारण यहाँ पे लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे। इस कारण से यह जो डायग्राम था, यह जो हमारा इन्वेंशन था, वो ज़्यादा दिनों तक सक्सेस नहीं रहा, और फिर से इस पर खोज हुई और हम जा करके इसको नए मॉडल में रिप्लेस किए। दोस्तों ये हमारा पहला वर्किंग ट्रांजिस्टर मॉडल है, जिसको हम पहली बार यूज में लाए थे, जैसा कि आपको ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि ये कितना बड़ा है। ये हमारा पहला वर्किंग ट्रांजिस्टर मॉडल है। दोस्तों, आज बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर का जो जनरेशन है वो कैसा था। दोस्तों, जब हमारे पास ट्रांजिस्टर नहीं था तब हमारी जो चीज़ें थी वो कैसी होती थी। पहले हम वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे,
स्विचिंग के लिए, उसके ऑपरेटिंग के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे, जिसकी साइज होती थी काफ़ी बड़ी होती थी और यह काफ़ी स्पेस भी लेता था और महंगा भी होता था, जिसके कारण से इसके में प्रॉपर एफिशिएंसी नहीं मिली। और इस टाइम पे जो कंप्यूटर बनाए गए थे वो काफ़ी बड़े थे, लगभग एक रूम के साइज़ के कंप्यूटर होते थे, लेकिन उनसे भी ज़्यादा हमको एफिशिएंसी नहीं मिलती थी, यानी कि उसकी जो कार्य करने की क्षमता थी वो ज़्यादा नहीं थी, उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो भी ज़्यादा नहीं थी। दोस्तों, सेमीकंडक्टर की खोज होने के बाद जब हमारा पीएन जंक्शन का निर्माण हुआ, उसके बाद हमारे ट्रांजिस्टर के कुल मॉडल सामने आए। जैसे ये था हमारा सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में भी हमारे पास कुछ ट्रांजिस्टर थे जिनकी साइज कुछ छोटी थी, और सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो अपना साइज रिड्यूस कर लिए। दोस्तों, बात करते हैं थर्ड जनरेशन की, तो जो थर्ड जनरेशन हमारा था उसमें ट्रांजिस्टर की जगह पे हम आईसी का यूज करने लगे। आईसी जो होती थी उसके अंदर लाखों हज़ारों की संख्या में हमारे पास ट्रांजिस्टर फैब्रिकेट किए जाते थे। ये जो आपको आईसी दिख रही है, इस आईसी के अंदर लाखों की संख्या में हमारे ट्रांजिस्टर बिल्ट रहते हैं, और इस तरह से ये हमारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था, जिसकी स्पीड सेकेंड की अपेक्षा में काफ़ी अच्छी थी और इसका जो आकार था वो भी रिड्यूस हो गया था। दोस्तों, आज के समय में जो हमारी फोर्थ जनरेशन थी, कुछ ड्यूरिंग 2-4-5 साल पहले तो हमारी फोर्थ जनरेशन थी, यानी फोर्थ जनरेशन में हमारी आई माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमारे बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट लगी हुई हैं, यानी कि छोटे छोटे चिप लगे हुए हैं जिन्हें हम आईसी कहते हैं, और ये आईसी में बहुत सारे हमारे ट्रांजिस्टर, डायोड और बहुत सारी चीज़ें हमारी फैब्रिकेट की जाती हैं। इंटेल एक ऐसी कंपनी है जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर को बनाती है। माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण होने के बाद जो हमारा कंप्यूटर था उसकी साइज जो थी और भी पतली हो चुकी, यानी कि और भी छोटी हो गई, जिससे इसकी प्रोसेसिंग स्पीड और फास्ट हो गई। आज के समय में हमारे पास जो कंप्यूटर है दोस्तों, बहुत ही एडवांस कंप्यूटर आ गए हैं, जिसका उपयोग लगभग हम सभी क्षेत्र में करते हैं, मेडिकल, डिफेंस, एग्रीकल्चर, एरोस्पेस, सैटेलाइट। आज ऐसी कोई भी जगह पर नहीं है जहां पर हम इन सब कंप्यूटर का उपयोग नहीं करते हैं। दोस्तों, ये जो फिफ्थ जनरेशन थी उसमें हमारी जो प्रोसेसर यूज थी वो क्वांटम प्रोसेसर यूज होता था। दोस्तों, आज हमारा i7 यानी जनरेशन i7 हम यूज कर रहे हैं, जो कि आज के समय का सबसे फास्ट और ज़्यादा एफिशिएंसी और लो प्राइस का कंप्यूटर है, जो आज हमारे हाथों में भी है, जो हम देखते हैं पाम टॉप, यानी कि जो हमारे हाथ में जो कंप्यूटर है। दोस्तों, जो हमारा ट्रांजिस्टर था उसका बहुत ही लंबा इतिहास रहा, और धीरे 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 चीज़ों को स्टडी की गई, और आज के दौर में हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा है। दोस्तों, आज के समय में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना ट्रांजिस्टर के हम उपयोग नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी ट्रांजिस्टर नहीं होगा, सॉरी, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं होगा जिसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग न किया जाता हो, और ये सब पॉसिबल हुआ है सेमीकंडक्टर की खोज के बाद। दोस्तों, आइए जानते हैं हम ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा बहुत। ट्रांजिस्टर जो होता है वो हमारा सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है, और यह एक ऐसी डिवाइस होती है ट्रांजिस्टर बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, यानी कि जिसमें प्रतिरोध का ट्रांसफ़र किया जाए, अर्थात इनपुट से आउटपुट पे। तो जो ट्रांजिस्टर हमारा होता है वो स्विचिंग के लिए, सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, जो कि मोबाइल फ़ोन वगैरह हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इन सब चीज़ों में, यानी सिग्नल जो यूज होते हैं हमारे, ये सिग्नल जो हमारे यूज होते हैं इनको एम्पलीफाई करने के लिए, और पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी इसका यूज किया जाता है। दोस्तों, जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसमें तीन टर्मिनल होते हैं, और इन तीन टर्मिनल में से हम किन्हीं दो को एक साथ कनेक्ट करते हैं, जिससे उन्हें कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है।
दोस्तों ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल जिन्हें हम एमिटर, बेस और कलेक्टर के नाम से जानते हैं। दोस्तों इन तीनों टर्मिनल से हम तीन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यानी कि तीन तरह का कार्य लेते हैं। एक जो होता है वो हमारा कॉमन एमिटर, एक हमारा कॉमन बेस और एक होता है हमारा कॉमन कलेक्टर, जिसमें से किन्हीं दो को हम एक साथ बैटरी से जोड़ करके काम में लेते हैं। दोस्तों ट्रांजिस्टर के किन्हीं दो टर्मिनलों को एक पेयर के फॉर्म में हम कनेक्ट करके वोल्टेज या करंट अप्लाई करके उसके इनपुट तथा आउटपुट को हम कंट्रोल करते हैं और हम ट्रांजिस्टर के द्वारा उसके सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी जैसे बताया गया कि जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं वो आईसी के फॉर्म में इनबिल्ट हो चुके हैं और इसका आज के समय में बहुत ही ज़्यादा उपयोग हो रहा है। दोस्तों ये जानते हैं हम ट्रांजिस्टर के प्रकार, यानी कि उसको किन किन टाइप के आधार पर हम उसको विभाजित किए हैं। तो दोस्तों हमारा पहला जो है वो उसके शेप के आधार पर है। दोस्तों यहाँ पर जो हमारे शेप देख रहे हैं वो पहला है लीडेड टाइप और दूसरा है सरफेस माउंट टाइप। दोस्तों सरफेस माउंट टाइप का यहाँ पे हम डायग्राम आपको दिखा सकते हैं और लीडेड टाइप जो है वो हमारा जनरल इंसर्शन टाइप होता है और एक हाई डेंसिटी इंसर्शन टाइप का होता है। और ये जो सरफेस माउंटेन होता है इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है उसके सरफेस पे हम एक ट्रांजिस्टर को किसी नट या बोल्ट से हम कस देते हैं, टाइट कर देते हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो उसके पावर के अकॉर्डिंग किया गया है। दोस्तों अभी बताया गया कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो स्मॉल सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। दोस्तों जहाँ पे हमें स्मॉल सिग्नल को एम्पलीफाई करने की आवश्यकता पड़ती है उसे स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे हमें 1 वॉट से कम की आवश्यकता होती है वहाँ पे हम स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं और जहाँ पे हमें 1 वॉट से ज़्यादा की आवश्यकता होती है वहाँ पे हम पावर ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। दोस्तों पावर ट्रांजिस्टर आप लोग IEC सब्जेक्ट में पढ़ेंगे जो कि आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा। दोस्तों हमें जो पढ़ना है वो हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन के आधार पे क्लासिफिकेशन। कंस्ट्रक्शन के आधार पे जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है पहला बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और दूसरा है यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जैसा कि नाम से पता चल रहा है बाई यानी कि द्विध्रुवीय, अर्थात जिसमें धारा का प्रवाह हो वो दोनों दिशाओं में हो, एक इधर भी और इधर। यूनिपोलर का मतलब होता है एक दिशीय, इसमें जो धारा का प्रवाह होता है वो केवल और केवल एक दिशा में होता है। दोस्तों बाईपोलर जंक्शन जो ट्रांजिस्टर होता है जिसे हम BJT के नाम से भी जानते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा NPN टाइप और एक होता है हमारा PNP टाइप। दोस्तों हमें ट्रांजिस्टर के प्रकार में यूनिपोलर ट्रांजिस्टर को हम UJT के नाम से जानते हैं, UJT यानी कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। दोस्तों हमारा जो सिलेबस है उसमें हमें FET, JFET, MOSFET ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। तो दोस्तों हम एक एक करके हम ये सारे टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों ऐसे ही नई नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए बने रहें आप हमारे चैनल टेक स्काई के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।